हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह का पूरा झाड़ू पोछा पूरा काम कर ली हूँ, तो मैं नहा के भी आ गई और चाय भी पी ली हूँ। तो अभी ठंड का था मौसम है ना, तो चाय वाय पी ली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कोचई की सब्जी। तो उसको उबालना रहता है ना, तो पहले मैं उसको गैस में चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोचई को मैं चढ़ा ली हूँ, ये देखिए। और मैं ना एक आलू भी उबाल रही हूँ, और इधर चावल मेरा चढ़ चुका है। तो जब तक मेरा चावल पकता है, तब तक मैं थोड़ा सा सब्जी काट लेती हूँ, फिर बातें करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, सब्जी मैं काट ली हूँ। सब्जी मतलब उतना कुछ नहीं लगता है इस सब्जी में, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो मैं बिना प्याज के बनाऊंगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है बिना प्याज के। और हमारे साइड ना ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैं दो टमाटर काट ली हूँ और थोड़ा सा इमली भिगो के रखी हूँ, इमली पानी डालूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना आज काम में जा रही हूँ, तो इसीलिए जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जाना रहता है ना, वही 10 बजे तक जाते हैं शायद। तो इसीलिए मैं ना आज थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पक गया कि नहीं। तो इसको निकाल के अरे बाप रे। तो फ्रेंड्स, हमारा कोचई पक चुका है, तो इसको अब ना हम उतार लेते हैं, ये देखिए अच्छे से दिखा देते हैं। आलू भी हमारा हो गया है, तो इसको उतार देते हैं इधर देखते हैं, फिर चावल भी हमारा हो चुका है। तो इसको ना पहले मैं चावल को ना पसा देती हूँ, और फिर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, खाना मैं पसा ली हूँ और इसको उतार भी दी हूँ। अब इसको निकाल लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल ली हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं। और इसके छिलके को निकालना है, तो पहले मैं ये छिलका निकाल लेती हूँ। मैं ना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका छिलका कैसे निकलता है, बहुत ही अच्छा निकलता है। अभी एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ में निकाल रही हूँ, तो अच्छा नहीं हो रहा। ये देखिए कितना अच्छा निकला, बहुत ही साफ। देखिए दोनों हाथ से निकालने से अच्छा निकलता है। अभी मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ ना, तो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं छिलका निकाल ली हूँ, और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा निकला है, बहुत ही इसके लिए मतलब अच्छा निकल जाता है। तो और मैं एक आलू इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को ना आलू ना बहुत पसंद है, तो मैं हर सब्जी में आलू डालना पसंद करती हूँ। तो इसको ना फोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ना हाथ काम नहीं कर रहा था, तो हाथ से फोड़ने नहीं हो रहा था, तो मैं ना चक्कू के साथ काट ली हूँ। और इधर हमारा कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल हमारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना इसको ना ऐसी भी बना सकते हो। हमारे जो
गांव वाले हैं ना वो ऐसे ही मतलब इमली पानी को ना वो करके ना उसी में एक ही बार में नमक मिर्च हर चीज़ ना डाल के बनाते हैं, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मेरे को ना ऐसे ही अच्छा लगता है तेल के साथ मतलब टमाटर को भून के ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो तेल गर्म हो गया था तो मैं जीरा डाल ली हूँ, तो जीरा हमारा हो गया तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हमारे साइड ना कुछ ही गोना चिकन के साथ भी बनाते हैं, तो उधर देख लेते हैं कि हमारा टमाटर पक गया है कैसे। तो इसको चम्मच से ला लेते हैं। अब ना इसमें हम मिर्च मसाला जो भी है वो डाल देते हैं पहले। तो मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी और ये सब्जी मसाला, इसे ऐसे भी बना सकते हैं पर मैं थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ। और मैं ना एक ही में मिर्च और हल्दी एक ही में की हूँ तो इसको डाल देते हैं। तो इसको अच्छे से चला देते हैं चम्मच। अब इसमें डालेंगे ये कचौड़ी को, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इमली पानी, अब इसको डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। और मैं ये तो पक गया है तो मैं साथ में ये डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं रस्सा बनाऊंगी तो इसको रस्से में ही खाते हैं, सूखा में खाते हैं कैसे तो मेरे को नहीं पता। तो आप लोग खा सकते हो ये ना किसी भी चीज़ के, जैसे कि रोटी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारा हो गया है, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स खाना मेरा बन चुका है, तो अब एक बस थोड़ा सा काम करना है, फिर वो सब करने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। खाना खाने के बाद मेरे को जाना है काम में, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ था। A few moments later. फ्रेंड्स मैं खाना वाना खा ली हूँ और मेरा काम हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ काम में। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ काम से आने के बाद। 7 hours later. फ्रेंड्स मैं काम से आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा चेहरा कैसा हो गया है। तो अभी हम लोग ना वहाँ से 5 बजे निकले थे और हम लोग आते आते आधा घंटा लग गया, तो अभी 5:30 हो गया है। तो हम लोग पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं, तो हम लोग को आधा घंटा लग गया। तो फ्रेंड्स मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी खाना वाना नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा खाना रखा है वो देखे तो उसी को गर्म करके खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूले। मिलते हैं एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।